अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? ए भाई पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? ए भाई सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी। तो पहलो मारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो शू छे जो मारा हिंदू भाई थी लग्न करे ने सनातन धर्म में आवे तो? अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। Furthermore, people talk about that why does Islam allow a man to have more than one wife? In fact, if you analyze most of the major scriptures, they permit a man to marry as many wives as they wish. If you read Ramayana, the father of Ram, King Dashrath, he had 3 wives. If you read the Vishnu Sutra, chapter number 24, verse number 1, it says a Brahman can have 4 wives. If you read Mahabharata, Krishna had how many wives? 4? 10? 1,000? 10,000? Krishna had 16,108 wives. So when Krishna can have 16,108 wives, so why can't we Muslims have at least 4? Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, marry women of a choice in 2s, 3s, or 4s, but if you can't do justice, marry only one. In Islam, you're allowed to marry 2, 3, or 4, but if you can't do justice, you can only marry one. But if you can do justice, the maximum you can marry is only 4. You cannot marry beyond that. And the reason why Islam allows polygamy, you can refer to my video cassette, Women's Rights in Islam. एक एक हिंदू को 10-10 बेटे पैदा करने चाहिए। एक बात माताओं को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए या नहीं किए? दशरथ महाराज ने 3 विवाह किए कि नहीं किए? कश्यप महाराज ने अनेक विवाह किए कि नहीं किए? और तुम्हारे गणपति बप्पा मोरिया जो हैं, बोलो ना कितनी पत्नियां हैं उनकी? 2 पत्नियां हैं ना? तो अगर अहिंसक क्रांति करना चाहती हो देवियों, तो ये बलिदान करो, अपने भाइयों को अपने बेटों को इस बात के लिए तैयार करो कि एक अपने कुल की कन्या से विवाह करें और एक देशद्रोहियों के कुल की कन्या में विवाह करें और एक 2-2 पत्नियों से 10-10 बेटे पैदा करें। यदि तुमको भारत माता को बचाना है तो नान्य पंथा विद्यते या नायक, कोई दूसरा मार्ग लगाना। क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यदि विवाह की अभिलाषा हो और यदि कन्या भी वही चाहती हो, परंतु विवाह के रास्ते में कोई ऐसी अड़चन हो, तो क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि कन्या का हरण कर लो। ये कह रहे हैं कि मैं सुभद्रा का हरण कर लूं? मैं कुछ कहने वाला कौन पार्थ? मैं तो बस क्षत्रिय धर्म बतला रहा था। जैसे आपकी आज्ञा। मैं आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती है वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? तो ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिए, ले चलिए, चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे।
क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है, मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में, और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए उलाए, बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया वहीं पर, चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहां पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया, और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीजें गलत है और आप ये चीजें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी दो शादियां हुई हुई हैं, और वो एक ही घर में अपनी दो पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो है वो गांव गए हुए हैं, तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहां पे उन्होंने किया, और जो भी था उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज उनको बोले कि आपने ये सारी चीजें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं, और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तब। सबीना परवीन, अच्छा पापा का नाम क्या है? समीम अंसारी। अच्छा आज आप कहाँ पे आई हो? मैं दिल्ली आई हूँ, मैं पालपुर होटल में, यहाँ पे होटल में कुछ सबूत इकट्ठे करने। नाम क्या है? राजेंद्र उर्फ राजू। राजेंद्र उर्फ राजू से पापा नाम क्या है? बाबूलाल डांगे। 7 अक्टूबर को मैं आई थी, 7 अक्टूबर 2019 को आई थी। अच्छा उसके साथ आई थी। हाँ, फिर पालपुर होटल में रुके थे हम 2 महीने। कितनी तारीख से कितनी तारीख रुके थे? हम 10 अक्टूबर से वहाँ पे नवंबर 16 तक रुके थे, पूरे 2 महीने रुके थे वहाँ पे। हाँ, जब ये बच्चा हुआ था? नहीं हुआ था तुम्हारे? नहीं, जब ये बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद तो तुमने शादी कर ली थी? नहीं करी थी। नहीं, उसने बोला था शादी करूंगा लेकिन उसने शादी नहीं किया। अच्छा फिर तुम कहाँ चले गए? फिर हम 17 नवंबर को बैंगलोर चले गए, इसने बोला बैंगलोर में काम है, वहाँ पे मैं काम करूंगा तो मेरे साथ ही रहना। इसके मम्मी पापा सब थे बैंगलोर में। हाँ अच्छा ठीक है। और फिर बैंगलोर जाने के बाद वहाँ पे भी हम होटल में ही रुके थे, 3 महीने रुके थे। तो तुमने शादी क्यों नहीं करी? उसने बोला था मैं शादी करूंगा बैंगलोर जाकर के, लेकिन उसने शादी नहीं करी। फिर उसने मुझे बच्चे के लिए फोर्स किया कि पहले बच्चा कर लेते हैं फिर मेरे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। अच्छा। नहीं तो नहीं अपनाएंगे, पर उसने शादी नहीं करी उस दौरान। तो ये बच्चा कब हुआ था तुम्हारे? ये सितंबर 2020 में हुआ था, 20 सितंबर। तो तब वो वहाँ पे था? नहीं, जब बच्चा होने का टाइम आया तब भी वो मुझे छोड़ के भाग गया। समस्तीपुर में एक लड़की को प्यार करना भारी पड़ गया। पहले प्रेमी ने भला फुसला कर उससे शादी की और फिर बेंगलुरु में बेच दिया, जहां 6 महीने तक उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद खरीदार ने लड़की को दिल्ली लाकर दोबारा बेच दिया, जहां से पीड़िता किसी तरह समस्तीपुर पहुंची और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहां से जब मैं चूत पाई तब आज यहां भाग गया। 2019 में उसके साथ हम शादी कर ली, तो मेरे पापा ने केस कर दिया, तो वो मुझे मतलब बहला फुसला के और कोर्ट में गवाह दिलवा दिया कि हम निर्दोष है। पीड़िता ने बताया कि विकास शादी के बाद से पैसे की डिमांड करता था। एक बार उसने पिता से पैसे मांग कर दिए भी, लेकिन आरोपी इतने से नहीं माना और उसने अपनी पति को पैसे के लिए बेंगलुरु ले जाकर बेच दिया, जहां उसके साथ 6 महीने तक 4 लोगों ने मिलकर रेप किया। मुझे सर बहुत तंग किया, बहुत मैंने बेच जो दिया। कहां बेच दिया? किसके हाथ बेच रहा है? 4 लड़कों तो हम किसी को सर नहीं जानते। वो कितना दिन वहाँ? 6 महीना रहे, उसके बेच दिया, उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली में आए तब मैं छूट पाई, तब भाग के स्टेशन पे गए तो कुछ लोगों से पूछे भैया यहाँ समस्तीपुर स्टेशन कहाँ पे आ गया, तो उन्होंने मुझे बता दिया। तो मैं बाथरूम में टीटीआर टिकट पूछे आता, तब बाथरूम में छुप छुप के आए यहाँ। वहीं इस घटना पर महिला थाना अध्यक्ष पुष्पलता कुमारी ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दैनिक भास्कर के लिए समस्तीपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।